नेताजी के साथ एक दिन के कार्यक्रम में अभी हम लोग समय के अभी 7 बज चुके हैं, 7:30 बज रहे हैं, माफ़ करिएगा, और अभी भी दिलीप वर्मा जी लगातार जनसंपर्क अभियान में हैं। और अभी बागमारा गांव जो गांडे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां इन्होंने अभी सभा की है और अब ये निकले हैं अपने घर को। दिलीप जी, आपसे जानना चाहते हैं कि इतना थकान, इतना स्ट्रेस, 9 बजे निकले हैं, 7:30 बज गया, कहीं आपको खाते भी नहीं देखे, कैसे एनर्जी मिलता है? देखिए, मैंने शुरू से हमारा एक लक्ष्य रहता है और लक्ष्य हासिल करने के लिए हम हमेशा दृढ़ संकल्प भी रहते हैं। और आपने देखा होगा, स्वाभाविक रूप से दिन भर आप साथ में हैं और सवेरे जिस तरह से हम अपनी बातों को रख रहे थे, शायद शाम को भी देखे होंगे कि उसी अंदाज में बात रख रहे थे। तो ये सब एनर्जी जब तक नहीं रहेगा तो आप भाई 5 साल अगर जनता मौका देगी तो 5 साल आपको इसी तरह सेवा करना होगा और एनर्जी तो मन की रखना ही होगा। इतना बड़ा क्षेत्र है, बिना एनर्जी का आप क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। और हम तो आपको, आपके माध्यम से हम गांधी विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता को भी बताना चाहता हूँ कि यह एनर्जी केवल चुनाव भर नहीं, आप अगर हमें मौका देंगे तो आने वाला 5 वर्ष तक इसी एनर्जी में हमें पाएंगे। आज हम लोग लोगों से मिल रहे थे, आपके साथ थे कैंपेनिंग में, लोगों का जो आप JBM को लेकर इस बार जो जनभावना है, जो जुड़ा है इस बार, क्या लगता है ये आपके व्यक्तित्व का असर है, पार्टी का असर है, या क्या है? चूंकि आप मुखिया हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के पहले भी बहुत से संदेश गए हैं, आपके व्यक्तित्व को लेकर भी लोगों से हमने बात की, कहना था कि बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, क्या लगता है आपका व्यक्तित्व भी इस चुनाव में काम आएगा? देखिए, कोई भी चीज़ एक तरह की संभावना नहीं, कई संभावनाओं के साथ जब जुड़ता है तो परिणाम की ओर जाता है। स्वाभाविक रूप से पहला तो ये है, लोगों में एक रघुवर दास को उखाड़ फेंकने की एक प्रबल इच्छा है और इसके विकल्प के रूप में सारे लोगों की एक ही मंशा है कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने। एक ये इच्छा शक्ति है लोगों में, दूसरी है कि यह भी हो सकता है कि हमारा व्यक्तित्व का भी प्रभाव हो, लेकिन इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर आप इसको देखें क्षेत्र में तो मेरे लिए स्वाभाविक का विषय है कि लोग हमारे व्यक्तित्व से भी प्रभावित हो रहे हैं। जी, लोगों से मिल रहे थे, उनके अंदर एक सवाल था कि जो यहाँ से जीत के जाते हैं कभी आते नहीं हैं,
राजनीति अपने विषय पर है, राजनीति तरीके से हम देखें राजनीतिकरण लोग करते हैं, चलिए ठीक है मानते हैं इस बात को, लेकिन जो जीत कर लोगों का जो सवाल होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, मिलने नहीं आते हैं, तो इस संदर्भ में आपको क्या लगता है कि लोगों के जो जो जुड़ाव है, जो भावनाओं से आप फिर कैसे आने वाले दिनों में जुड़ पाइएगा? देखिए, जीत या हार यह मेरे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से लोग आज हमें आशा भरी निगाह से देख रहे हैं तो जीत हार की गारंटी अभी कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस बात का गारंटी देता हूँ, मैं भी खुद आश्चर्यचकित हूँ कि लोग इतना विश्वास पूरे क्षेत्र में हम पर कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों को, यहाँ की गांडे की जनता को इस चीज़ के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि जीत और हार मेरे लिए कोई मायने नहीं रहेगा। अगर मैं इस क्षेत्र में, गांडे विधानसभा क्षेत्र में निकला हूँ, तो दोनों परिस्थिति में मैं लगातार 5 साल जनता के बीच रहूँगा, दिखूँगा। उत्तर भारत में और पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद की राजनीति अपने चरम सीमा पे होती है, बिना जातिवाद के राजनीति नहीं कही जाती है इस जगह पे। आपको क्या लग रहा है इस बार जातिवाद किस तरह से इस राजनीति में, गांडे विधानसभा के लिए जातिवाद किस तरह से हावी रहेगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं जात की राजनीति पर विश्वास नहीं करता जी। मैं हमेशा जमात की राजनीति किया हूँ, और आपको ये बता दूं कि मैं, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं जिस क्षेत्र का मुखिया हूँ उस क्षेत्र में 3300 आबादी थी, 3300, उसमें मात्र 700-800 आबादी हमारे समाज का था। उसके बाद भी लोगों ने, सभी लोगों ने हमें भरपूर प्रेम सहयोग स्नेह दिया, और आज भी अगर जात की राजनीति की बात होती तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में हमारे समाज के दो दो कैंडिडेट हैं। जात की राजनीति पर मैं कभी भरोसा नहीं करता, कभी विश्वास नहीं करता। मेरा एक ही विचार रहता है कि समग्र सभी समाज को एक साथ समेट कर जो चल सकते हैं, वही वैसे ही व्यक्ति को ये हक है, अधिकार है कि वो सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़े, और जात और समाज में जो लोग पड़े हैं वो कुछ दिन के लिए उन्हें अच्छा लग सकता है, लेकिन राजनीति उनके लिए लंबे लाइफ के समय नहीं होता है जी। आपसे जानना चाहते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा आने वाले दिनों में, चूंकि विपक्ष भी ये बात कहते आई है कि झारखंड विकास मोर्चा आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके, गठबंधन करके सरकार बनाएगी, क्या ऐसी बातें हैं? देखिए, ऐसा होना रहता तो इसके पहले भी कई अवसर थे, एक कई लोग कयास भी लगा रहे थे कि झारखंड विकास मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज कर जाएगा, झारखंड विकास मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगा, लेकिन हमारे सुप्रीमो माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं कुतुब मीनार से कूद करके आत्महत्या करना पसंद कर सकता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकता हूँ। इसके कई कारण हैं, उनका वो जैसा कि आप जानते भी हैं कि पूर्व में वो जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य थे, और उस समय जिस तरह से ऊपरी दबाव से इन पर लगा करके झारखंड के जनताओं के साथ, मतलब कि गलत निर्णय के लिए हमेशा दबाव बनाते रहे, जिसके कारण उन्होंने पार्टी तक को भी छोड़ा। और यह भी मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि बाबूलाल जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि आज वो, अगर वो चाहते तो आज तक, मतलब कि जब से झारखंड अलग हुआ है 2000 से, अगर उनके मन में इच्छा पद की होती, पद लोलुपता होती, तो आप मान सकते हैं कि आज तक मुख्यमंत्री वही होते, लेकिन उन्होंने झारखंड के
भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं किया, झारखंड की जनता को धोखा देना पसंद नहीं किया। इसके कारण ही उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे पद को भी त्याग करके जनता के बीच संघर्ष करना पसंद किया और इसका एक परिणाम आज ही दिखता है। देखिए, सच्चाई को थोड़ा समय लगता है, सच्चे लोगों को समझने में थोड़ा समय लगता है। मैं तो कई जगह पहले भी उदाहरण देता हूँ कि भाई दूध और दारू की ताकत को आप समझ सकते हैं। अगर कोई शराब सेवन कर ले तो 10 मिनट में पहलवान समझने लगता है, लेकिन जो दूध सेवन करता है उसको महीना भर पीता है तो उनकी ओरिजिनल ताकत आती है। तो कहना ये है कि इस मतलब ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको उभर के आने में कुछ समय लगता है और हमको लगता है कि वो समय आ चुका है और इस बार झारखंड की जनता अपना निर्णय के लिए तैयार है, केवल मतदान करना बाकी है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, समाधान इंडिया की टीम की ओर से आपने हमें समय दिया और आपके साथ रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो जी, तो नेताजी के साथ एक दिन का कार्यक्रम, आज हम लोग JBM प्रत्याशी दिलीप वर्मा जी के साथ थे। इन्होंने गांव-गांव जाकर आज जनसंपर्क अभियान भी किया है, आपको वीडियो में जो आप देख रहे होंगे, तो लोगों से अपील भी की है इन्होंने इस बार बाबूलाल की सरकार हो। और भी प्रत्याशियों से आपको हम मिलवाते रहेंगे, रूबरू करवाएंगे आने वाले दिनों में एक दिन नेताजी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का प्यार और आशीर्वाद लगातार हमें मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हमारे महेंद्र राज जी लगातार आपको इस वीडियो को दिखा रहे हैं और उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन।